हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज यहाँ पे हम बनाने वाले हैं छोले। तो ये देखिए, चनों को हमने ओवरनाइट भिगा लिया था और काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम इनको डालेंगे कुकर में और इनको 3 से 4 सीटी तक पका लेंगे। आप चाहे तो इसमें 2-4 आलू भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने पानी डाल दिया है, लगभग 2 बड़े गिलास के बराबर पानी हमने डाल दिया इसमें। और अब हम इसको गैस में रख देते हैं और 5 से 6 सीटी हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो चनों को अगर आप ओवरनाइट भिगा लेते हैं लगभग 12 घंटे तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से फिर छोले बनकर तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हमारे जो चने थे वो उबल चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो आप यहाँ पे कोई भी चना ले सकते हैं, जो मीडियम साइज का चना होता है, ये छोले होते हैं, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। मेरे थोड़े बड़े साइज के हैं तो आप यहाँ पे छोटे वाले चने भी ले सकते हैं, फिर बड़े वाले भी ले सकते हैं। और ये देखिए, हमने इसको छान लिया और छानने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें मसाले क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है, लगभग 2 बड़े प्याज कट करके पेस्ट बनाया है और 10-12 लहसुन। और ये यहाँ पर है टमाटर की प्यूरी पेस्ट, लगभग 3 बड़े टमाटर का पेस्ट बनाया है मैंने। ये थोड़े से सूखे मसाले हैं, 1 चम्मच जीरा, 3 तेज़पत्ता और दालचीनी। और ये हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और बड़ी इलायची का पाउडर है, 1 चुटकी हींग है। तो बड़ी इलायची का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहे तो खड़ी थोड़ी सी कूट कर भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास पिसा हुआ रखा था तो मैंने इसी का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस में और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा, 3 तेज़पत्ता, दालचीनी और 1 चुटकी हींग। आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था और प्याज का भी साथ में, तीनों को हमने एक साथ मिला दिया है। और इसको हम चलाते हुए बिल्कुल इस तरह से लाइट ब्राउन कलर का भून लेंगे तो तभी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आपकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हमने डाल दिया इसमें पिसा हुआ टमाटर तो टमाटर आपको जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रेवी चाहिए आप टमाटर उसके हिसाब से डाल सकते हैं। आप यहाँ पे 3-4 टमाटर यूज कर सकते हैं, बड़े टमाटर। तो ये देखिए, हमको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए छोले में अपने, तो हमने यहाँ पे लगभग 3 से 4 टमाटर डाल दिए हैं। और आप टमाटर को पीस करके ही डालें तो ज़्यादा अच्छा आपका छोले तैयार होगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सूखे हुए मसाले और इनको अच्छे से पका लेना है। टमाटर भी हमारे लगभग पक चुके हैं और जितना अच्छे से आप टमाटर को पकाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बनकर तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी छोले बनकर तैयार होंगे हमारे अभी। ये देखिए, हमने इसको भी पका लिया। अब हम डाल देते हैं इसमें नमक। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच नमक यूज किया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पे मैंने छोले मसाला लिया है, ये पाउच वाला है, तो इसको लगभग 1 बड़ा चम्मच है तो मैं इसको पूरा ही डाल दूंगी। आप यहाँ पे चना मसाला का भी यूज कर सकते हैं या फिर छोले मसाला ही डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है छोले में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है छोले मसाले डालने से। तो देखिए, हमारा जो ग्रेवी का ये था बहुत ही अच्छे से पक चुका है। हम इसमें ऐड कर देंगे चने अपने।
तो चनों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं पहले, और आप चाहे तो कढ़ाई में भी पका सकते हैं। मैं इनको कुकर में पकाने वाली हूँ ताकि और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा छोले में जो चने सॉफ्ट होते हैं बहुत ही अच्छा है, यानी छोले का जो टेक्सचर होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम इसको कुकर में उबालेंगे, तो कुकर में 3 से 4 सीटी हम इसको और लगाएंगे अभी, ताकि छोले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2 बड़े गिलास हमने पानी डाल दिया यहाँ पर, और आपको जिस तरह से ग्रेवी रखनी हो, वैसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है, तो आप इतना ही डालिए, फिर थोड़ा और डाल सकते हैं पानी। तो ये देखिए हमने इनको कुकर में पलट लिया है और बहुत ही अच्छे से ये पक जाएंगे। तो अब हम इसको बंद करके लगभग 5 या 6 सीटी लगाएंगे इसमें, ताकि हमारे छोले बिल्कुल पक जाए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे छोले किस तरह से बने हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए छोले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और मिक्स भी हो गए हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने 2 मिनट इसको और पकाया है, और अब देखिए इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल परफेक्ट छोले बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से छोले बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और किसी भी चावल के साथ, पुलाव के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसकी ग्रेवी देखिए कितनी ज़्यादा थिक है और कितना टेस्टी, और कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी इस तरह से छोले बनाइए अपने घर पे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।